ओम शांति। आज 2 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपना शांति स्वधर्म की याद दिलाते हैं। बाबा कहे, शांति तो आपके गले का हार है, लेकिन मनुष्य बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने से तो मिलेंगी नहीं, इसीलिए स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित कर उसका अनुभव करना है। साथ ही साथ बाबा कहे, दुनिया के अंदर मनुष्य को कोई भी चीज को शुद्ध बनाना हो तो आग में डालते हैं, यज्ञ के अंदर भी अग्नि होती है, परंतु बाबा ने ये रूहानी यज्ञ रचा है जिसके अंदर आत्माओं का शुद्धिकरण होता है। योग ही वो अग्नि है जिससे आत्मा एकदम शुद्ध और पावन होती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसीलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहां भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो, तुम्हें योग लगाना है। योग की ही रेस है, इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बाबा पूछते हैं, ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं, उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं, भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब कुछ था। हमारी प्यारी जानकी दादी हमेशा कहती थी कि पवित्रता के 2 बच्चे हैं, सुख और शांति। तो बाबा कहे, भारत में पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं, एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूं या मेरा शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है, मेरा तो स्वधर्म ही शांति है। कितनी सुंदर रियलाइजेशन बाबा हम बच्चों को देते, मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। ये शरीर के ऑर्गन्स है, आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की वासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाट बजाते हैं, शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। शांति का हार गले में है और धक्का खाते रहते हैं बाहर, पूछते रहते
मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है, वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान है। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना, सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव कौन है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन है, शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पूजा भी करते हैं, कई तो फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं, न जानने कारण अपने को ही शिवोहम कह देते। अरे शिव तो एक ही बाप है ना, मनुष्य अपने को शिव कहलाए यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पति पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है। जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया। यह जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं। पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं है। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा, इसलिए पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके। 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, यह तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्म का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं। जो पहले पहले नीचे उतरे वो अभी पीछे तक रह गए, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों गीता आदि का सार समझाता। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्र में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ।
रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं, देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको क्या करना है, उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म है, इनको छोड़ माँ मेकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ही, बाबा के निराकार आएंगे संसार में तो जरूर शरीर में ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है, प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है, सफेद सफेद जैसे गोस्ट होते हैं ना, बाबा कहे सफेद सफेद जैसे गोस्ट होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक, आटे में लून, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए मनुष्य को, अगर सत्य ज्ञान समझाना है तो उनको पहले ये मालूम होना चाहिए भगवान निराकार है। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राज योग सिखलाता। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म है, आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतु कर जाती है, उनको कयामत का समय कहा जाता है, सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतु होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण, बाबा कहे दुख मनुष्य को क्यों मिलता है, पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतु होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हरेक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है, यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं, यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, शिव बाबा का रचा हुआ ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय, इस समय सब पर आफत है ना, इस समय देखो सब पर आफतें हैं। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। कई लोग रुद्र यज्ञ रचते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग, लेकिन बाबा कहे रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं, वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजा स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए, फट से सब तो पावन नहीं बनते, योग लगाते रहो अंत तक, यह है ही योग की रेस,
बाप को जितना जास्ती याद करते हैं, उतना दौड़ी लगाकर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं। फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे, पहले रुद्र की माला फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, बाबा कहे जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, बाबा कहे गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, तुमको बाप राज योग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात, बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है, कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता, ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके, अगर होवे तो नॉलेज दे ना, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे न सके। भगवान तो सभी का एक ही है, कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे। बाबा कहे भगवान तो सभी का एक ही है, कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे, वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े, इसलिए भगवान राज्य नहीं करता है। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, क्या करते फिर वह? बाप कहते तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ, फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है, मैं सुनवाई करता हूँ। भक्ति मार्ग में बाबा का पाठ क्या है? मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते भी है हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है, पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है, शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर है, बबुल नाथ भी कहते हैं क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला। सर्व का सदगति दाता बाप है, उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो ग्लानी हुई ना। सर्व का सदगति दाता बाप है, उनको फिर सर्वव्यापी कहना, बाबा कहे ये तो ग्लानी हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार में आता, जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ, ये नियम है, मैं आता ही एक बार। बाबा कहे मेरा आने का कायदा एक ही बार है, बाप एक है, अवतार भी एक है, एक ही बार आकर क्या करेंगे, सबको पवित्र राजयोगी बनाता। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग, राजयोग सिखला न सके, यह हठ योगियों का भी एक धर्म है भारत को थमाने के लिए। हठ योगियों का भी एक धर्म है, इसलिए भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना।
भारत 100% पावन था, अभी पतित है। तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया, अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो। कौन सी न लड़ते हो न काम कटारी चलाते हो, काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे, आपस में भाई भाई है। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि के नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। इतना समझदार बाबा ने बताया बनाया, सारे सृष्टि के नॉलेज बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज दे, एक ही बीज है यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे न सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं, कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना बाबा के, इतनी सिंपल 5000 साल की कहानी बाबा बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, समय कम है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इसीलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। अभी जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुक्त करना है। दूसरी पॉइंट, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहां पवित्रता है वहां शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूं, यह अनुभव करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं
स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है, निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।